खोड़ में 16 नवनिर्मित दुकानों पर चला प्रशासन का बुलडोजर। ताजा मामला पिछोर अनुविभाग में आने वाला ग्राम पंचायत खोड़ का है, जहां पर आज प्रशासन के द्वारा एक बड़ी दंडात्मक कार्रवाई करते हुए खोड़ की मुख्य सड़क गोरा टीला रोड किनारे पनी 16 अवैध दुकानों पर बुलडोजर चला कर कार्रवाई की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार खोड़ आदिम जाति कल्याण बालिका छात्रावास के सामने बल्लू पुत्र प्रेमा साहू एवं अरविंद पुत्र केदार साहू के द्वारा विगत 2 माह पूर्व से दुकानों का निर्माण कराया जा रहा है। इसी दौरान शिवपुरी रविंद्र कुमार चौधरी ने पिछोड़ जाते हुए इस निर्माण को देखा और तुरंत हल्का पटवारी व तहसीलदार को जांच कर कार्रवाई करने के आदेश दिए। इसी दौरान पंचायत सचिव के द्वारा उक्त निर्माण के संबंध में अनेकों बार नोटिस जारी किए गए, परंतु लगातार नोटिस पहुंचने के बाद भी निर्माणकर्ताओं के द्वारा किसी भी प्रकार के दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए, जिस पर प्रशासन के द्वारा आज कार्रवाई करते हुए इन 16 नवनिर्मित दुकानों को GCB से गिरा कर जमीन दोज किया गया। इस कार्रवाई में पिछोड़ तहसीलदार शिवशंकर गुज्जर, खोड़ चौकी प्रभारी उप निरीक्षक अंशुल गुप्ता, पंचायत सचिव सुरेंद्र शर्मा, हल्का पटवारी हेमंत शर्मा व समस्त हल्का पटवारी चौकीदार और चौकी खोड़ व थाना भोती समस्त पुलिस स्टाफ मौजूद रहा। देखे क्या कहा पंचायत सचिव सुरेंद्र शर्मा ने खोड़ से। आबिद बक्स पत्रकार की रिपोर्ट। की जा रही है इसमें दुकानों को तोड़ा जा रहा है, क्या है पूरा मामला? ये अवैध अतिक्रमण भी है, इनको बार बार नोटिस दिए गए पंचायत द्वारा, 5 नोटिस जारी किए, समय भी दिया 3 दिन का अतिक्रमण हटाने का, ना तो इन्होंने अपने स्वत्व के दस्तावेज प्रस्तुत किए, ना ही अनुमति ली, ना ही ये दिखाया कि जमीन हमारी है। अगर इस तरह का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत करते 5 नोटिसों के बावजूद भी इनके द्वारा किसी प्रकार का पंचायत में आकर शत्र अपने शत्र का कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया, ना ही पंचायत में आकर मिले, जबकि पंचायत द्वारा अपनी विधिवत कार्रवाई की गई। इसके पश्चात हमने सीमान अनुभागीय अधिकारी महोदय की यहाँ आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर ये तो सर ये प्रशासनिक कार्रवाई पंचायत के द्वारा मानी जाए? प्रशासनिक कार्रवाई पंचायती प्रशासन का हिस्सा है, माननीय SDM महोदय के आदेश अनुसार सभी दल यहाँ इकट्ठे हुए हैं और इनके द्वारा ये कार्रवाई प्रचलित की जा रही है। तो इस तरह की कार्रवाई एक ही रहेगी या आगे भी और कार्रवाई की जाएंगी? जो भी अवैध निर्माण करेगा उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।